तीसरा एवं सेवा आयोजन कल्याण मंत्री शाहिद मंजूर गोरखपुर के सर्किट हाउस आएंगे। शाहिद मंजूर सुबह 10 बजे गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में श्रम विभाग द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत श्रमिकों को साइकिल वितरित करेंगे। कृषि राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान भी गोरखपुर सर्किट में आयोजित एक कार्यक्रम में शरीक होंगे। एबीवीपी द्वारा आयोजित किया जा रहा है ये कार्यक्रम। इलाहाबाद के कैंट थाना क्षेत्र में पार्टी के दौरान 9 रुपए के लिए हुआ झगड़ा। युवक की तेज धार के चाकू से हत्या की गई। आरोपी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। इलाहाबाद के कौधियारा थाने पुलिस की हिरासत के दौरान ही मौत के मामले में एसएसपी ने थाना प्रभारी और 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। रामपुर में सीसीटीवी में एक चोरी की वारदात कैद हुई है। नाबालिग चोर जो साइकिल से आए और एक मोटरसाइकिल उठाकर फरार हो गए। कानपुर में बंद कमरे में अधेड़ शव मिलने से सनसनी। फिलहाल पुलिस ने मामले को संदेहजनक मानते हुए जांच शुरू कर दी। लखनऊ महोत्सव में पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली शिरकत करेंगे। 3 दिसंबर को गुलाम अली लखनऊ पहुंचेंगे। गाजियाबाद में एसपी महानगर अध्यक्ष संजय यादव पर सनसनीखेज आरोप। संजय यादव कारोबारियों को धमकाते हैं। गोड्डा के मनकापुर कोतवाली इलाके में सरे बाजार के गिरफ्तार बाइक की चपेट में आकर छात्रा की मौत के बाद बवाल। पूरा शहर राजसनी तोड़फोड़ की चल। ताज नगरी आगरा में दबंग की दबंगई के आगे एक परिवार बेबस है। परिवार ने खुद को घर में कैद कर लिया है। फैजाबाद में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील के बजाय उनको राशन 2 किलोमीटर दुकान से जाकर 50-50 किलो की बोरी साइकिल में लानी पड़ रही। महराजगंज में बीजेपी सांसद पंकज चौधरी द्वारा गोद दिए गए गांव के प्राइमरी स्कूल बड़हरा में बच्चों को 4 दिन से मिड डे मील नहीं मिला है। राज्य महिला आयोग के सदस्य जुबैदा चौधरी गोरखपुर के दौरे पर रही। उन्होंने जिला महिला अस्पताल मंडली कारागार का निरीक्षण किया। गाजियाबाद के थाना इंद्रपुरम इलाके की शक्तिखंड कॉलोनी में 30 अक्टूबर को ही राजबाला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया। वाराणसी में पार्टी पार्षद शिव सेठ की हत्या के विरोध में बीजेपी सड़क पर उतर आई। सिद्धार्थनगर जिले में कांग्रेस पार्टी ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। देवरिया में समाजवादी पार्टी का जिला अल्पसंख्यक सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर एसपी मुखिया मुलायम सिंह को मुस्लिमों ने सबसे बड़ा रहनुमा बताया। लखनऊ में आयोजित डाक टिकट प्रदर्शनी में देवरिया के हिमांशु को सिल्वर मेडल और जूनियर वर्ग में उनकी भतीजी मेघली और भतीजे अदम्य को कांस्य पदक मिला। महंगाई के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बलरामपुर में जुलूस निकाला। दाल की भीख मांगी। वाराणसी पुलिस ने 15,000 के इनामी अपराधी आदेश सिंह को गिरफ्तार किया। आदेश सिंह 19 मामलों में वांछित था। कानपुर की पुलिस के सामने गोली लगने से घायल युवक घंटों तक तड़पता रहा, लेकिन पुलिस अस्पताल ले जाने की जहमत नहीं उठा पाई। इलाहाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ शव यात्रा निकाली और उसको आग के हवाले कर दिया। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद इलाके में पशुओं की चोरी कर रहे चोरों का विरोध कर रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मऊ में स्वर्ण व्यवसायी विनोद वर्मा को फोन कर 1,00,000 रुपए की रंगदारी मांगी गई और नहीं देने पर पूरे परिवार समेत बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई। महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इलाहाबाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। सिद्धार्थनगर में दलित राजगीर की 14 साल की नाबालिग बेटी को पड़ोस के रहने वाले दबंग फजल ने अपहरण करके उसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। ब्रूस अलमाइटी और बैटमैन बिगिंस जैसी सुपरहिट अंग्रेजी फिल्मों के अभिनेता हॉलीवुड स्टार मॉर्गन फ्रीमैन का नाम। रायबरेली में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। अमरनगर मोहल्ले में एक बिजली का खंभा अचानक गिर गया जिससे एक लोडर में आग लगी। कन्नौज में एक मां ने अपने 8 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। कलयुगी मां पर उसके बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। बरेली में ऑर्केस्ट्रा सिंगर अर्चना की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। अर्चना की मां ने उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया। बहराइच के थाना जरवल इलाके में बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन पर सवार होकर 2 लोगों की जरवल स्टेशन के पास ट्रैक पार करते समय मौत हो गई।
बहराइच में एक अजब नजारा देखने को मिला। यहाँ दीपावली से पहले दीपावली मनाई गई और पुलिस लाइन में मूक बधिर बच्चों के लिए खास तौर पर इस आयोजन का यहाँ पर आयोजन किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अरुण जेटली के खिलाफ महोबा में चल रहे आपराधिक मामले यहां पर सामने। गोरखपुर पहुंची कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची पर निशाना साधा। वहीं शाहरुख खान समेत बीच के कारोबारियों को में हिंदुओं और बीच में संयुक्त होने की बात कही। गोरखपुर में चौरी चौरा थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान और एसपी नेता मनोज यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर को अरेस्ट किया है। खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि जिस असलहे से एसपी नेता की हत्या की गई थी वो भी बरामद कर लिया गया है। इटावा के चौबे इलाके के बीना और फुलरई गांव में बदमाशों ने अंधाधुंध में फायरिंग कर एक अपराधी की हत्या कर दी। इलाहाबाद में बिना ड्राइवर और गार्ड के माल गाड़ी के डीरेंटर्स में लापरवाही बरतने पर 5 रेलकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। फरुखाबाद में झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से युवती की मौत हो गई। युवती की मौत के बाद डॉक्टर शव छोड़कर भाग गया। लखनऊ के गोमती नगर में समतामूलक चौराहे पर उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब जंपर ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। इसमें स्कूली बच्चों को मामूली सी चोटें आई हैं। बादल जनपद के मंडल अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। परिजनों का कहना है कि वो घंटों डॉक्टर से इलाज की मिन्नत करते रहे लेकिन डॉक्टर का दिल नहीं पसीजा। मिशन 2017 के मद्देनजर यूपी में बीजेपी ने संगठन को मजबूत करने की कवायद के तहत एक बैठक की। बरेली के इज्जतनगर इलाके के एयरफोर्स गेट के सामने रूई की दुकान में भीषण आग लगी जिसमें लाखों का सामान जल गया। औरैया में समाजवादी पार्टी के विधायक के द्वारा आयोजित रामलीला में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। बुलंदशहर के गांव वेदरामपुर में प्रेमी से शादी करने पर प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी की बहन का अपहरण कर लिया। घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। महंगाई और चीन के बाजार की चमक में पारंपरिक कारीगरी दम तोड़ रही है और कारीगरों की कई पीढ़ियां तो अब अपने इस पारंपरिक काम को छोड़ चुकी है। अलीगढ़ के क्वासी क्षेत्र में ट्रक और स्कॉर्पियो में टक्कर हो गई जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए। नोएडा में जानी मानी कंपनियों के खाद्य और पेयजल पदार्थों के 24 नमूने फेल हो गए हैं। नेस्ले को एक और झटका लगा है। यातायात माह को लेकर हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक ने यातायात नियमों को लेकर लोगों के साथ बैठक की। शामली में गन्ना समिति में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। 10 सालों से समिति के अधिकारी कर्मचारी मिलकर किसानों को करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। अमरोहा में मिट्टी के दिए बनाने वाले कुम्हार राज्य सरकार के मिट्टी की खुदाई पर पाबंदी लगा जाने से नाराज है। उनका कहना है कि इसके चलते उनका पुश्तैनी काम खतरे में पड़ गया। गाजीपुर में 3 साल पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत नसबंदी कराने वाली महिला ने बच्चे को जन्म दिया है जिससे यहां पर ऑपरेशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुरादाबाद स्टेशन पर हादसा होते होते टल गया। खड़ी मालगाड़ी अपने भारी वजन के चलते पीछे दौड़ने लगी। गोंडा के मनकापुर कोतवाली इलाके के जुसुआ गांव में मकान की दीवार गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई। बस्ती में भुखमरी से परेशान होकर सैकड़ों परिवारों ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में रामलीला के मंच पर अश्लील डांस परोसा गया। बरेली के नवाबगंज में ईद जागीर गांव में प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने गए एसडीएम आरएन पांडे से शिक्षा मित्रों ने मामूली से सवाल पूछे लेकिन शिक्षा मित्र उनका भी जवाब नहीं दे पाए। भदोही में 50 से ज्यादा के झुंड में रहने वाली नीलगाय ने अरहर की फसल को चौपट कर दिया जिससे अरहर की पैदावार पर बड़ा बुरा असर पड़ा है।
वृंदावन में देवी आश्रय स्वास्थ्य केंद्र की हालत बदतर है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटका हुआ है। झांसी को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। गाजीपुर में नियुक्ति पत्र न मिलने से नाराज प्रशिक्षित शिक्षकों ने डीएम ऑफिस का घेराव किया और अपनी मांगों के समर्थन में बड़ी संख्या में टीटी प्रशिक्षकों ने जुलूस भी निकाला। मथुरा में बैंकों में किसी भी प्रकार की अनहोनी रोकने के लिए जनपद के सभी बैंक मैनेजर की एक बैठक हुई और एसएसपी द्वारा बैठक का आयोजन किया गया था। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में फरार चल रहे 5000 के इनामी तरुण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तरुण 4 साल पहले रंजिश में हत्या के बाद फरार हुआ। वाराणसी में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने वाली राष्ट्रीय संस्था सत्या फाउंडेशन ने पटाखों के खिलाफ अब अभियान शुरू किया है। आगरा से संसद और भारत सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर के आवास कब्जाने का आरोप लगा है। मथुरा के धौली प्याऊ क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने किशोर को कुचल दिया। हादसे में किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। हाथरस दीवानी कचहरी पर उस वक्त अफरातफरी मच गई जब पेशी पर आए कैदी की अचानक तबीयत खराब हो गई। पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया।